बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम चीज़ देखेंगे कि वो ये है कि HTML क्या होता है और ये किस काम आते हैं और एक वेब पेज को HTML के ज़रिए कैसे बनाया जाता है। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट का कि HTML क्या होता है। इस चीज़ को देखने के लिए बेसिकली HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हाइपर का मतलब होता है रेफरेंस, टेक्स्ट का मतलब डेटा, मार्कअप का मतलब होता है प्री डिफाइंड टैग्स, और लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन भी। जो है ये जो HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। तो यहाँ पे एक चीज जो क्लियर हो गई है कि ये जो HTML है वो हमारे पास वेब पेज को बनाने के लिए काम आता है। अब वेब पेज क्या होते हैं, जब आप अपने वेब ब्राउजर पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उनका कोई पेज ओपन होता है आपके सामने, उस पेज को वेब पेज कहा जाता है। और वो जो है, अगर उसके सोर्स कोड को देखा जाए तो वो HTML में लिखा होगा। इसको हम मजीद आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली HTML डिस्क्राइब करता है वेब पेज के स्ट्रक्चर को। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, ये अभी हमने डिस्कस किया। इसमें हर HTML में जो HTML होता है, HTML जो लैंग्वेज है, इसमें सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं वो क्या होते हैं। द HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट। अभी वही वाली बात होगी जो हमने पहले डिस्कस की है कि हमारे पास हमने क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है। हमने पैराग्राफ डिस्प्ले करवाना है, हमने कोई हेडिंग डिस्प्ले करवानी है, कोई इमेज डिस्प्ले करवाना है, जिस तरह का डाटा डिस्प्ले करवाना है उसी तरह के हम एलिमेंट्स को यूज करेंगे या टैग्स को यूज करेंगे, ठीक है। और आगे अगली लाइन में लिखा हुआ है HTML एलिमेंट्स लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ etc। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल तो आप ये समझे कि HTML जो होता है बेसिकली किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उसका स्ट्रक्चर बनाता है कि कहाँ पे हेडिंग होगी, कहाँ पे फुटर होगा, कहाँ पे मेन्यूज होंगे, कहाँ पे स्लाइडर होगा, कहाँ पे हमारे पास गैलरी होगी, गैलरी कहाँ पे होगी, और कहाँ पे हमारे पास न्यूज इवेंट्स होंगे, और उसमें दिया हुआ डाटा को हमने किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है, पैराग्राफ देना है, जो भी है, वो सारे टैग्स हमारे पास HTML में डिफाइन किए होंगे। इसीलिए इस HTML को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है, यानी कि इसमें स्क्रिप्ट होते हैं, छोटे छोटे टैग्स होते हैं। तो दूसरी लैंग्वेज में और HTML में एक फर्क होता है, वो बाकी लैंग्वेजेस होती हैं उनकी ग्रामर्स होती हैं, इसकी ग्रामर नहीं होती, इसलिए इनको कैटेगराइज किया जाता है उन लैंग्वेज के निस्बत। यहाँ पे सेट ऑफ प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, उनकी मदद से हम डाटा को डिस्प्ले करवा देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, मेरे पास ये HTML का कोड है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखें, यहाँ पे एक HTML का टैग है और वो टैग यहाँ पे क्लोज हो जाता है, और HTML का टैग जो है वो ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पे अगर इस टैग को बंद करना हो तो फॉरवर्ड स्लैश के जरिए बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, टाइटल में पेज का टाइटल दिया जाता है। अब ये टाइटल क्या होता है इसको आगे डिफाइन आगे देखेंगे। यहाँ पे जो देखने वाली चीज है वो ये है कि बॉडी का टैग है। बॉडी बेसिकली आपके वेब पेज में जितना भी कॉन्टेंट होता है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक टैग है H1, H1 का मतलब है हेडिंग, H का मतलब है हेडिंग, H1 का मतलब है, ये डिफाइन किया होता है कि अगर H1 होगा तो बड़ी हेडिंग होगी, फिर H2 होगा तो उससे छोटी हेडिंग होगी, और जिस तरह के साइज की आपको हेडिंग चाहिए होती है आप उसी तरह का टैग यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि H1, उसमें लिखा है माई फर्स्ट हेडिंग, और इस टैग को मैंने फिर क्लोज कर दिया है, और जिस टैग को आपने यूज करना फिर उसे क्लोज भी उसी तरतीब से करना होता है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ में, पैराग्राफ के लिए पी यूज होता है, और यहाँ पे देखें फर्स्ट पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, और इसको जब आप इस पेज इसको कोड को सेव कर लेते हैं एज ए एक्सटेंशन .html, वो दिखाऊंगा मैं आपको कैसे सेव किया जाता है। जब आप इसको ओपन करते हैं वेब ब्राउजर में तो वेब ब्राउजर आपके सामने टैग्स नहीं दिखाता, उसके मुताबिक दिए गए डाटा को डिस्प्ले करता है। यानी कि जहाँ पे H1 लिखा हुआ है तो वहां पे वो समझ जाता है कि ये हेडिंग है, तो उसको हेडिंग के मुताबिक डिस्प्ले करवाता है, और जहाँ पे पी लिखा हुआ है तो वहां पे वो समझ जाता है कि ये पैराग्राफ है, तो इसको पैराग्राफ के बतौर पैराग्राफ इसको डिस्प्ले करवाता है। तो इसी तरीके से वो समझ जाता है कि किस टाइप का क्या मतलब है, और इसीलिए इसे हम HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जहाँ पे हम टैग करते हैं, मार्कअप करते हैं,
हर एक डाटा को और वो उसको डिस्प्ले करवाया जाता है वेब ब्राउजर में। इससे आगे चलते हैं, व्हाट इज एन एचटीएमएल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एलिमेंट्स का लफ्ज आया उसका मतलब क्या है। एन यहाँ पे अगर इस लाइन को रीड करें, एन एचटीएमएल एलिमेंट्स इज डिफाइंड बाय ए स्टार्टिंग टैग, सम कंटेंट एंड एन एंडिंग टैग। यहाँ पे देखें कि हमें इसको लिखने का तरीका क्या होता है एलिमेंट्स को, कि आपको यहाँ पे एक स्टार्टिंग टैग देना पड़ता है, उसके दरमियान जो आप कंटेंट लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, और यहाँ पे एंड टैग किया जाता है फॉरवर्ड स्लैश के जरिए। फर्ज किया मैं एक हेडिंग लिखना चाहता हूँ, माई फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पे मैं कोई भी हेडिंग दे सकता हूँ, न्यूज की हेडिंग दे सकता हूँ, फीडबैक की हेडिंग दे सकता हूँ, गैलरी की हेडिंग दे सकता हूँ, जिस तरह का डाटा है उसको मैंने उसको हेडिंग देनी है। तो यहाँ पे मैं एक स्टार टैग करूंगा, उसके दरमियान उस कंटेंट को लिखूंगा, फिर उस टैग को एंड कर दूंगा। इसी तरीके से हमारे पास पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हम स्टार्ट करेंगे और पैराग्राफ उसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ उस टैग को एंड कर देंगे। तो ये हमारे पास ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये जो टैग्स के अंदर जितना भी डाटा दिया ये टैग्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स, और उस एलिमेंट को लिखने का एक तरीका होता है। अब ये हमारे पास कुछ ये एलिमेंट्स हैं, उनको जरा देख लेते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किए हैं कि अगर आपने किसी एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग इस तरीके से होगा, फिर उसके दरमियान कंटेंट लिखेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद इसको एंड टैग करेंगे, फिर एक पैराग्राफ का टैग है उसके दरमियान कंटेंट लिखेंगे और ये आगे चला जाएगा। फिर आपने ब्रेक करना है कि कहीं पे आपने पैराग्राफ के अंदर न्यू लाइन से शुरू करना है, एक पैराग्राफ को तोड़ना है उसके बाद न्यू लाइन से शुरू करना है, तो यहाँ पे आप ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद ब्रेक के लिए आपको मतलब के स्टार्टिंग टैग और एंड टैग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जहाँ पे आप ब्रेक का ये कीवर्ड लिख देंगे टैग के साथ, तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा वेब ब्राउजर कि यहाँ पे मैंने इसको। अभी आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी वेब ब्राउजर, तो जिसका जिक्र पहले भी हो रहा है, तो वेब ब्राउजर क्या होता है, द पर्पज ऑफ वेब ब्राउजर, जैसे हमारे पास क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, इसका पर्पज जो होता है कि रीड दी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को रीड करता है, उनके टैग्स को अंडरस्टैंड करता है, और उसके बाद उनको डिस्प्ले करवाया जाता है जिस तरह का वो उसको कोड किया गया। ए वेब ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द एचटीएमएल टैग बट यूज देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। तो इस वेब ब्राउजर का काम ये नहीं होता कि इसने के एचटीएमएल टैग्स को डिस्प्ले करवा देना है, ये उन टैग्स को यूज करता है और डिटरमाइन करता है कि आपने डाटा को डिस्प्ले कैसे करना। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। जैसे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, ये वेब ब्राउजर है हमारे पास, वेब ब्राउजर में ऐसे डॉक्यूमेंट ओपन होता है, तो ये उसके एचटीएमएल टैग्स को अंडरस्टैंड करते हुए उसको डिस्प्ले करवा देता है। ये हमने लास्ट टाइम कोड में भी देखा है। अब इसके अगर पेज के स्ट्रक्चर, एचटीएमएल पेज के स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो हमारे पास सबसे पहले जो होता है एचटीएमएल का टैग होता है, जो पूरे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट से उसको उसका स्टार्टिंग टैग होता है और एंड पे एंडिंग टैग होता है, और उसके बाद सेक्शन होते हैं, दो सेक्शन, हेड, और इसमें आपके पास पेज टाइटल लिखा जाता है, ये पेज टाइटल क्या होता है ये बाद में डिफाइन करेंगे, और बॉडी, बॉडी में जितना भी डाटा दिया जाता है वो सारा बॉडी का डाटा जो है वो डिस्प्ले होता है हमारे पास वेब पेज के ऊपर जब आप उसको वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो इसको करने का तरीकाकार क्या है, एक सिंपल वेब पेज बनाने का तरीकाकार क्या है कि आप क्या करेंगे, नोटपैड हर सिस्टम में होता है, विंडो में ये एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, उसको ओपन करेंगे, उसमें कोड को राइट करेंगे और उसको सेव एज करेंगे डॉट एचटीएमएल की।